नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। गुलमोहर क्षेत्र में भारतीय कम्युनिकेशन के संचालक के आवास पर सीसीआई और ईडी ने छापेमारी की कार्यवाही की। बुधवार देर शाम से शुरू हुई कार्यवाही गुरुवार तक चलती रही। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित केंद्रीय संस्थाओं में वायरलेस सेट, जीपीएस समेत अन्य संचार माध्यमों में उपयोग आने वाले इक्विपमेंट्स की सप्लाई और सर्विसिंग का काम करने वाली फर्म के सीईओ के आवास पर छापा पड़ा है। भारतीय कम्युनिकेशन के सीईओ गुरुवेश कुमार के आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम ने कई घंटों तक सर्चिंग की। वहीं बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की टीम ने गुलमोहर कॉलोनी स्थित आवास पर कार्यवाही शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। इस दौरान स्थानीय थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। सूत्रों के अनुसार गुरुवेश कुमार भी भारतीय कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी है, जो वायरलेस सेट समेत जीपीएस एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सहश्रलाई करती है। कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को एक कंपनी के वायरलेस सेट सहश्रलाई किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस समेत वन विभाग और भारतीय रेलवे को भी इक्विपमेंट सप्लाई किए गए हैं। वहीं कंपनी द्वारा नामी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरणों के इंस्टॉलेशन में चाइनीज सॉफ्टवेयर का उपयोग किए जाने का अंदेशा है। इससे सुरक्षा को लेकर भी खतरे का शक बताया जा रहा है। हालांकि जांच टीम में शामिल अफसरों ने इस मामले में अधिकृत रूप से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, पर बताया जा रहा है कि जांच में अन्य जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। छापेमारी की कार्यवाही करने के लिए सीसीआई के 4 अधिकारी दिल्ली से आए हैं और साथ ही इस दौरान टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद रही। इधर एस्टेट जीएसटी एंटी इवेजनल ब्यूरो की टीम ने जबलपुर और भोपाल में छापेमार कार्यवाही अलग अलग जगह पर की। जबलपुर में टीम ने 7,25,00,000 रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है, जबकि भोपाल और नर्मदापुरम के सिगरेट तंबाकू विक्रेताओं के यहां टैक्स चोरी उजागर की। जबलपुर में टीम ने चंदन कॉलोनी रांची में संचालित मोबाइल व इंटरनेट रिचार्ज सर्विसेज देने वाली होलसेल कंपनी 365 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर छापा मारकर 7,25,00,000 की टैक्स की चोरी पकड़ी। कंपनी ने यह राशि जमा करा दी है। इधर 4 टीमों ने भोपाल में जुमेराती में ग्लोबल मार्केटिंग एजेंसी और नर्मदापुरम में एमबीएस के यहां छानबीन की है। जांच में पाया गया है कि टैक्स ज्यादा होने से कारोबारी बिना टैक्स के ही तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद बेचते हैं।